बिहार में मानसून का इंतजार अब थकाने लगा है। किसान खेतों में तो लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पिछले तीन दिनों से आसमान में बादलों की लुकाछिपी के बीच रिमझिम फुहारों का दौर चल रहा है, लेकिन अच्छी बारिश का बाट जो रहे थारवासियों को अभी भी इंतजार ही करना पड़ रहा है। मानसूनी बादलों की आवाजाही और फुहारों के बीच मौसम खुशनुमा हुआ नजर आ रहा है। वहीं पारा गिरने से लोगों को गर्मी से जरूर कुछ राहत मिली है। मानसून में देरी के कारण थार नगरी के किसान इन दिनों बारिश का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यहां बादल तो मंडराते नजर आते हैं, लेकिन बिन बरसे ही लौट जाते हैं। बाड़मेर शहर में 18 जून को तेज बारिश हुई थी, उसके बाद से पिछले 40 दिन से अच्छी बारिश नहीं हो पाई है। पिछले एक सप्ताह से काले घने बादल छाए हैं, लेकिन राहत की बारिश कोसों दूर है। कई किसानों ने जून में पहली बारिश में बुआई की थी, उसके बाद से लेकर अब तक किसान बारिश का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। बुधवार के रोज बाड़मेर में दिन की शुरुआत बूंदाबांदी से हुई, जिससे दिन भर मौसम सुहावना बना रहा और रुक रुक कर हो रही बारिश से शहरवासियों को गर्मी से काफी निजात मिली। वहीं काले बादलों के मंडराते रहने और रुक रुक कर हो रही बारिश से लोग अच्छी बारिश का आशंका जताते नजर आए, लेकिन राहत की बारिश नहीं हो पाई। पिछले दो दिनों से घने बादलों और ठंडी हवा चलने के कारण रात और दिन के तापमान में 4 डिग्री का अंतर आया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन तक आसमान में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। ऐसे में जिलेवासियों को अच्छी बारिश के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है। जिले में मानसून की इस सीजन में अब तक 79 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, लेकिन यह सामान्य बारिश से 27.9 mm कम है। वहीं पड़ोसी जिले जैसलमेर में 213 mm पानी बरस चुका है, 133.5 मिलीमीटर पानी अधिक बरसात है। सावन शुरू होने के बाद बाड़मेर में बारिश नहीं हो रही है, इससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। 18 जून को बाड़मेर शहर में 38 mm यानी 1.5 इंच बारिश हुई थी। इसके बाद एक दो बार महज हल्की बारिश हुई थी, लेकिन तेज बारिश हुए 40 दिन बीत गए हैं।